हेलो गाइज, कि आपको अपने गेम मोड की डिटेल्स जाननी है तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो हम अपने गेम मोड को ऑन करके उसके अंदर आ जाते हैं। तो गेम मोड के अंदर आने के बाद से यहाँ पर देख लीजिए, हमारा गेम मोड अभी ऑन है और हमारा गेम मोड थोड़ा सा लोड ले रहा है। तो इसको थोड़ा देर डाउनलोड होने के बाद से आपको ऊपर दिख रहा होगा प्लेट। तो प्लेट को हमने गेम मोड में सेव कर रखा हुआ है, जिसमें गेम मोड अगर आप ऑन कीजिएगा तो इसमें आपको अलग अलग सेटिंग देखने को मिलेगी। तो हम इसमें से एक और ऐप चूज कर लेते हैं, कोई भी। ये तो स्पेशल फ्री फायर और पबजी के लिए होता है, ये एक स्पेशली दोनों ऐप के लिए होता है और गेम किसी भी गेम के लिए होता है। तो हम इसमें एक और ऐप यहाँ पर ऐड कर दी है, तो उसके अंदर जाकर इसकी डिटेल्स बताते हैं और यहाँ से कैसे रिमूव करना है ये भी बताएंगे आपको। तो इसके अंदर जाने के बाद से गूगल असिस्टेंट ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर गूगल असिस्टेंट, तो हमारा गूगल असिस्टेंट यहाँ पर ऑन है, आपको देख लीजिएगा। और उसके नीचे दिख रहा होगा गेम असिस्टेंट पॉप ऑफ, तो गेम असिस्टेंट पॉप ऑफ दिख रहा होगा, वो भी हम ऑफ करके रखे हैं। तो इससे चलिए अभी बाहर चलते हैं और भी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो बाहर जाने के बाद से यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कॉल्स, यानी कि अगर आप उस ऐप के अंदर रहेगा तो उसमें कोई भी कॉल्स नहीं आएगा। इस सेटिंग को ऑन कीजिएगा तो, इसको ऑफ कीजिएगा तभी कॉल आएगा उस सेटिंग के अंदर। तो उसके बाद से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बॉट मोड, बॉट मोड भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा अपने फ़ोन में। तो चलिए अभी इससे हम बाहर चले जाते हैं। तो बाहर जाने के बाद से हम और भी डिटेल्स आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, आप इसको फॉलो कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट शेयर तो ज़रूर। और नीचे देखने को मिलेगा आपको ऑल रिजेक्ट कॉल्स, अगर आप उस ऐप के अंदर रहेंगे तो सारे कॉल उसके अंदर से रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आप यहाँ से ऑन कीजिएगा तो। तो चलिए अभी सेटिंग ऑफ कर देते हैं और आगे नेक्स्ट सेटिंग है और वो भी देखना है। इसको चले पहले ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये ऑटो रिजेक्ट ऑन हो जाएगा। तो इसको हम ऑफ़ कर देंगे और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा डिसेबल ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन आप इसके अंदर रहिएगा तो डिसेबल हो जाएगा। तो चलिए अब इससे बाहर चले जाते हैं। आपको इसमें कुछ बातें देखने को मिल रही होगी कि कॉल्स रिजेक्ट हो जाएंगे और ऑटोमेटिक कॉल इसमें रिजेक्ट हो जाएगा और बैकग्राउंड कॉल्स भी इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए अभी सेटिंग के अंदर से ऐप को हम बाहर कर देते हैं। तो एडिट पर आप क्लिक कीजिएगा, तो एडिट पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो ऐप पर क्लिक करके नीचे वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा, और ऐड करना हो तो नीचे क्लिक कीजिएगा तो आपका कोई भी ऐप ऐड हो जाएगा उसमें। तो ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, और बाहर निकलना है तो बाहर भी निकाल सकते हैं, और इस सेटिंग को ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन ऑफ करना है तो आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और उस ऐप के अंदर जाकर हम दिखा देते हैं, ऐप के अंदर से भी आप ये सेटिंग कर सकते हैं, ऑटो रिजेक्ट कॉल्स और भी बैकग्राउंड कॉल्स इसमें देखने को मिलेगा, और नीचे भी और भी डिटेल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इसमें से आप ऐसे अपने सेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसमें नहीं कीजिएगा तो इसमें से आप अपने फ़ोन में सेटिंग सेट कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको जैसी सेटिंग करनी है वैसे सेटिंग यहाँ से आप अपने मन का सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री फायर पबजी के लिए स्पेशली है, अगर आपको जैसी सेटिंग रखनी है वैसी सेटिंग रखिएगा, और इसमें कोई भी कमी हो वीडियो में तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।